स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस में, मैं हूं मुस्कान। बिहार से जुड़ी इस वक्त की एक बड़ी अहम खबर आपको बताती चलूं। दिन दहाड़े किए जा रहे हैं बेटियों पर अत्याचार। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लिए सत्ता जमाई भाजपा सरकार पर जनता का आक्रोश। बिहार के हाजीपुर में एक युवती को जिंदा जलाकर मारने की घटना सामने आई है। इस मामले में बिहार पुलिस की कार्रवाई तेज हो गई है। घटना की 18 दिन बाद पुलिस ने मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, मगर अब भी दो आरोपी फरार हैं। गुलनाज के परिवार वालों का ये आरोप है कि उन्हें आरोपी डरा और धमका रहे हैं। गुलनाज खातून को 29 तारीख के डेट में उसको छेड़खानी किया गया था, धमकाया गया था, तो वो हमको बोली कि ऐसा ऐसा बात है, तो उसको उसके माँ को हम जा कर के बोले, तो उसकी माँ बोली कि ठीक है ऐसा नहीं होगा। तो हम सिलाई करते हैं पटना सिटी में, सुबह 8 बजे जाते हैं, रात में 8 बजे रात में आते हैं। हमारी लड़की कचरा फेंकने गई, वो फेंक करके आ रही थी तो पीछे से पकड़ करके सतीश कुमार राय, उसके पिता का नाम विनय राय और एक चंदन कुमार, पिता का नाम विजय राय, वह मिट्टी तेल छिट करके आग लगाया। तो हमारा छोटा लड़का वहाँ पर देखा, हल्ला किया, हमारी छोटी लड़की भी हल्ला की, पानी लेकर के भुताई। ये 29 तारीख को सतीश कुमार राय बोला था शादी करने के लिए, तो वो लड़की इनकार की, तो वो लड़की को बोला कि तुम नहीं करना चाहेगी तो मार देंगे, तो वो बोली कि तुम हिंदू हम मुस्लिम क्यों करेंगे, हमारा रिश्ता लगा हुआ है। उसी पर वो मिट्टी तेल छिट करके आग लगाया गया। तारीख को देख लिया गया था 9:30 बजे रात में, प्रशासन आए थे, लड़की से बयान लिया गया, लड़की बयान दी। तो ये जो लड़के हैं जिनके बारे में आप कह रहे हैं सतीश कुमार और बाकी लोग, ये है कहाँ के? ये है ये रसूलपुर हबीब के है, रहने वाले एक गज दूरी रहने वाले हैं। हमको इंसाफ चाहिए, इंसाफ के लिए ऐसा धरना किया गया था कि जिस तरीका से हमारी लड़की का जान हत्या किया है उसी तरीका से उसको फांसी चाहिए। आपको बता दें कि गुलनाज को 30 अक्टूबर की देर शाम को गांव के ही 3 दरिंदों ने केरोसिन डालकर जिंदा जला दिया था, जिसके बाद उसे हाजीपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां पर नगर थाना के एक पुलिस अधिकारी ने उसका बयान लिया था। अगले दिन गुलनाज को पटना के PMCH में एडमिट कराया गया था, जिसके बाद उसके 2 वीडियो भी सामने आए थे। इस वीडियो में पीड़िता ने अपनी आप बीती बताई थी। वीडियो वायरल होने के बाद SDPO महानगर घटनास्थल पर पहुंचते हैं, मगर उन्हें वहां पर परिजन नहीं मिलते। उसके बाद 2 तारीख को स्थानीय चंदापुरा थाने में मामला दर्ज किया गया, तो वहीं 14 और 15 नवंबर के बीच पीड़िता गुलनाज की PMCH अस्पताल में मौत हो जाती है और मौत के बाद पटना में परिजन द्वारा शव को रास्ते पर रख धरने पर बैठ जाते हैं। 15 तारीख की देर रात शव चंदापुरा पहुंचाया जाता है, उसके बाद पुलिस की रेख देख में शव का अंतिम संस्कार किया गया, मगर घटना के 15 दिन बाद भी आरोपी की गिरफ्तारी ना होने की वजह से स्थानीय चंदापुरा थाने के SHO को निलंबित कर दिया गया है। क्या भाजपा सरकार अपनी आंखें बंद कर बैठी है? जहां एक तरफ ये नारा लगाते हैं बेटी के विकास की, तो वहीं दूसरी ओर ऐसे दरिंदगी जैसे मंजर भाजपा सरकार की सत्ता में देखे जा रहे हैं। पीड़िता गुलनाज को लेकर अब स्थानियों द्वारा जस्टिस फॉर गुलनाज की मांग जारी है। क्या न्याय मिलेगा पीड़िता गुलनाज को? क्या होगी कार्रवाई इस केस की? क्या सभी आरोपियों को हिरासत में लिया जाएगा? जनता के सवाल फिर से सत्ता की सरकार पर। आगे की जानकारी के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल स्वराज एक्सप्रेस हिंदी न्यूज के साथ।